पिछला पैर उठाइए, देख धरन का ठौर, यानी रखने की जगह हो तो फिर पैर उठाओ वरना ना उठाओ। लेकिन ऐसा है ना, कुछ चीजें होती हैं जो आदत से मजबूर होती हैं। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान के साथ है। आपको बता दें, न्यूज क्लिक का विवाद भारत में चल ही रहा है अभी ताजा ताजा, और इस विवाद में अमेरिका ने एक ऐसा खुलासा कर दिया है जो पाकिस्तान के लोगों को पसंद बिल्कुल नहीं आएगा। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति पुतिन, इन्होंने भारतीय पीएम को बुद्धिमान कहा। क्यों? उन सैकड़ों जहाजों के लिए जिसकी डील बेहद खास थी, और ऐसी कि आखिरकार G20 के बाद G7 के देश भी मानने को तैयार हो रहे हैं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, क्या रूस के ऊपर से प्रतिबंध हटेंगे, बहुत सारी चीजें हैं जानने को। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत में इस वक्त एक न्यूज क्लिक का विवाद चल रहा है। एक मीडिया संस्थान पर आरोप लगा हुआ है कि इस पे जो पैसा खर्चा होता है वो चाइना का पैसा खर्चा होता है। हालांकि ये जो खुलासा है, ये खुलासा 2021 में भारत सरकार की तरफ से भी आरोप लगे थे, लेकिन जो सबसे बड़ा बवाल मचा था तब मचा था जब अमेरिका ने खुलासा किया कि हाँ जी, न्यूज क्लिक में पैसा लगा है। अमेरिका की जो मीडिया है न्यूयॉर्क टाइम्स, इन्होंने इस बात को कहा था कि भारत के अंदर चीनी प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए खास तौर पर पैसे दिए गए हैं। और अभी हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से ईडी की कार्रवाई हो रही है और कई लोगों से बातचीत हो रही है, तो कईयों की गिरफ्तारियां भी कथित तौर पर हो रही है। न्यूज क्लिक का विवाद इस समय भारत के अंदर गरमाया हुआ है, और इस विवाद के बीच में पाकिस्तान के जो पहले मिनिस्टर रहा करते थे फवाद चौधरी, इन्होंने एक ट्वीट दागा ट्विटर पर, और इन्होंने कहा कि देखो भैया, ये तो गजब हो गया, पत्रकारिता को छीना जा रहा है, बोलने की आज़ादी को छीना जा रहा है, ये तो एकदम फासिस्ट सरकार वाली बात हो गई। जिस पर एक बंदे ने पूछ लिया, तुम अपना घर क्यों नहीं देखते हो, जाकर सबसे पहले अपना घर देखो ना, तुम यहाँ बहुत ज़्यादा रुचि क्यों ले रहे हो। जिस पर फवाद चौधरी ने कहा कि भारत के मुसलमान हैं, हमें उनके लिए खड़ा होना है, दुनिया में कहीं भी अगर फ्रीडम को लेकर कुछ हो रहा है तो हमें खड़ा होना है। अब ऐसा लगता है जैसे अमेरिका ने इनको मौका दे दिया है अपने भी घर में खड़े होने के लिए। अमेरिका ने एक खुलासा किया है, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। इस खुलासे में अमेरिका ने कहा है कि चीन ने एक ऐसा तंत्र बनाया है जिस तंत्र के जरिए इंटरनेशनल लेवल पर मीडिया सिर्फ उसके दृष्टिकोण को बढ़ावा दे, ऐसा करना चाहता है चीन। चीन चाहता है कि पाकिस्तानी मीडिया पर भी उसकी मजबूत पकड़ हो जाए, और यही नहीं, चीन कई देशों के साथ मिलकर सूचना के क्षेत्र में काम कर रहा है। चीन अपने खिलाफ आई किसी भी रिपोर्ट पर जवाब देने के लिए अन्य पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करने का प्रयास कर रहा है, और अन्य पार्टनर देशों में कौन है, पाकिस्तान भी है शामिल। कहा जा रहा है कि चाइना ने पहले पाकिस्तान को कहा कि हम दोनों मिलकर जो हम लोगों के खिलाफ कथित तौर पर फर्जी सूचनाएं आएंगी उसको हम लोग निपटा देंगे, और जो पाकिस्तान और चाइना का सीपेक है उसमें मीडिया फोरम को भी शामिल कर लिया गया कि जो भी दुष्प्रचार आएगा हमारे खिलाफ, दुर्भावनापूर्ण सूचनाएं आएंगी, हम उसको रिस्पॉन्स देंगे और हम उसको रास्ते से हटाएंगे। आपको बता दें, साल 2021 की अमेरिका के विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया कि चीन ने पाकिस्तानी मीडिया में काफी हद तक कंट्रोल करने के लिए भी बातचीत की थी, और कहा था कि ये सीपेक मीडिया कॉरिडोर का हिस्सा है और इसके लिए एक नर्व सेंटर बनाया जाएगा, पाकिस्तान के अंदर भी जो इंफॉर्मेशन फैलेगी उस पर भी कंट्रोल रखा जाएगा। वैसे आपको बता दें, अब ये दोनों का रिश्ता कितना दूर तक पहुंचा, क्या ऐसा कर पाया चाइना या नहीं कर पाया, ये तो इस रिपोर्ट में नहीं बताया गया है। लेकिन कहा गया कि चाइना ने पाकिस्तान के साथ एक सौदा पत्र जारी करने का प्लान बनाया था जिसमें पाकिस्तान के अंदर जो भी सूचनाएं हो रही हैं उस पर कंट्रोल किया जा सके। कहा जाता है कि पाकिस्तान में चीन के दूतावास का सीधे सीधे पाकिस्तान के आधिकारिक प्रेस रिलीज सिस्टम में दखल हो जाता है। खैर,
फवाद चौधरी को अब अपने घर में भी मिल गया कि कैसे जांच करना है, कैसे पता करना है ऐसा कुछ है कि नहीं है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस वीडियो को सुनिए। इस वीडियो में पुतिन क्या कह रहे हैं? इस वीडियो में पुतिन कह रहे हैं कि पीएम मोदी बहुत बुद्धिमान शख्स हैं और इन्होंने अपने शासनकाल में जो विकास करवाया है वो गजब का है। अब आपको बता दें, पुतिन खुद भी बहुत बड़े नेता हैं और इन्होंने जो बात कही है, कोई छोटा मोटा नेता कहता तो इसे कहा जाता कि यूं ही कह दिया, मखल लगाने के लिए कह दिया। पर पुतिन उस लेवल के नेता हैं जो ये सारी बातें अगर एक भी लाइन ऐसा कह रहे हैं तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। भारत ने अपनी बुद्धिमानी दो जगहों पर दिखाई है और यही वजह है कि पीएम मोदी की तारीफ करते पुतिन थक नहीं रहे हैं। आपको बता दें, अगस्त महीने में तेल की खरीद एकदम कम हो गई थी रूस से, जब रूस ने कहा था कि हम डिस्काउंट नहीं देंगे, डिस्काउंट वाला खेल अब बंद हो गया है, तब भारत ने रूस को छोड़कर इराक से तेल लेना शुरू कर दिया था। इराक टॉप नंबर पर आ गया था। तब भारत और रूस के बीच में क्या बातचीत हुई, क्या डील हुई, ये नहीं पता। लेकिन हाँ, सितंबर महीने में अचानक से देखा गया, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, कि भारत ने तेल की खरीदारी बढ़ा दी और भारत की रिफाइनरी तेल खरीद रही है। इसका मतलब है सब कुछ ठीक है। और दूसरी बड़ी बुद्धिमानी भारत ने कहां पर दिखाई, G20 में एक समय को रूस को भी भरोसा नहीं था और रूस को भी ऐसा लग रहा था कि पश्चिमी देशों के दबाव में भारत झुक जाएगा। G20 नहीं आकर पुतिन बहुत पछता रहे होंगे, क्योंकि वो देखते किस तरीके से यहाँ पर कूटनीतिक तरीके से ऐसी चीज़ें चली गई कि दुनिया का हर देश मानने को तैयार हो गया और G20 का डिक्लेरेशन सामने आ गया। भारत ने अपनी बुद्धिमानी यहाँ पर भी साबित की। तो पुतिन यूं ही नहीं कह रहे हैं कि पीएम मोदी काफ़ी बुद्धिमान है। एक तीसरी सबसे बड़ी बात सुनिए, पीएम मोदी और भारतीय सरकार ने जिस तरीके से तेल को लेकर अपना रुख बरकरार रखा कि हम तेल हर हाल में खरीदेंगे, उसका असर देखिए क्या हो रहा है। दुनिया भर में आर्थिक मंदी है लेकिन हम फिर भी बचे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमने सस्ते दरों पर तेल खरीदा। जब तेल सस्ते में मिला तो बाकी चीज़ें भी, बहुत सारी चीज़ें हैंडल होना आसान हो गया। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट देखिए, ये है ली। ली कोई आम शख्स नहीं है, तेल के ज्ञाता हैं और अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं ये। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है और बोला है, सुनो G7 के देशों, तुमने जो लगा दिया है ये प्राइस कैप, इससे रूस को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। रूस अभी भी तेल बेच रहा है और रूस से तेल खरीदने वाले तेल खरीद रहे हैं। जो प्राइस कैप के ऊपर खरीद रहे हैं वो शेडो फ्लीट से ले रहे हैं और जो प्राइस कैप के नीचे ले रहे हैं वो तुम्हारे ही टैंकरों से ले रहे हैं। और फंस कौन रहा है? फंस तुम रहे हो, कोई फायदा नहीं है। टाइम आ गया है G7 देशों को, अब ये प्राइस कैप हटा लेना चाहिए और तेल खरीदना चाहिए। अब इस चीज से आपको क्या समझ में आया? इसका मतलब है जिस यूरोप ने भारत के ऊपर दबाव बनाया वो यूरोप आज पछता रहा है कि हमने गलती कर दी, देखो बीच में भारत तो मजे में रह गया और हमने जो किया ये बूमरैंग की तरह वापस आया और हमें ही लग गया। यही सब वजह है कि पुतिन भारतीय पीएम को बुद्धिमान कह रहे हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।